हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है, हम सब भी खैरियत से। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज का व्लॉग मैं लेट शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन जो था वो बहुत मसरूफ़ गुजरा, क्योंकि रात को बाजी के घर से हम लेट आए थे तो पानी नहीं लगाया था क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर सुबह उठे हैं तो सुबह उठते ही पहले पानी लगाया, सारा पानी भरा पीने की, इतनी सारी बोतलें ये सारी पड़ी हैं, सारी भर के रखी, फ्रेश धो धा के कूलर भरा, उसमें इतना टाइम लगा, फिर टंकी भरने में भी टाइम लगा क्योंकि बिल्कुल खाली थी। फिर उसके बाद काम शाम किए, फिर ये कपड़े प्रेस किए क्योंकि आज हमने जाना है कहीं कहीं, क्या कज़न के यहाँ न्याज है वहाँ जाएंगे, तो बस उसकी तैयारी व्यारी में लगे हुए। कपड़े धोने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे और आज सूखे भी नहीं है सही से कपड़े, अभी रखे हुए यहीं पर ही मैंने, अंदर भी शाम हो गई तो अंदर सारे फैला दिए, कमरे में भी यहाँ रखे हुए सारे मशीनों पे ही रख दिए क्योंकि मोटे कपड़े तो सूखे नहीं है सही से। और बस अभी तैयारी व्यारी करते हैं जाने की, तो कपड़े पहले प्रेस किए, बेटी ने यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करे तो उसमें भी टाइम लगा, तो आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा, बस भागम भाग में ही गुजर गया आज का दिन, पता ही नहीं चला। तो बाकी यहाँ के भी आज कपड़े वगैरह चेंज कर दिए सारे, दिवाली के लगे हुए तो उतारे ही नहीं थे, बस ये चेंज किए, अभी इसके दूसरे सिलने, कपड़ा मैंने निकाल दिया, मैंने कहा चलें फारिक होंगे तो अभी फिर सी देंगे। तो बाकी ये देखें कितने सारे कपड़े, ये सारे गर्म कपड़े जो बिल्कुल नहीं सूखे, स्पिनर भी करें तो नहीं सूखे, रस्सियों पे भी डले हुए बिल्कुल नहीं सूखे। तो बस अभी तैयारी व्यारी करते फिर आपके साथ भी शेयर करते जी। तो व्यूअर्स, मैंने कहा चले आज आपके साथ कुछ मेकअप के अपना जो सामान है वो भी शेयर कर देती हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं जो भी हैं, कुछ ख़त्म भी हो रही हैं, और जो ये है बेस है का फाउंडेशन है पिटमी का, ये मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा है और इतना लाइट सा लगता है ना, जब चेहरे पे लगा लो पता ही नहीं चलता कि कुछ लगाया हुआ है। और ये कुछ चीज़ें तो अभी मैंने यूज़ भी नहीं करी है, बिल्कुल नई पैक की पैक पड़ी हुई है, मैं शेड्स भी हैं और बहुत है। कभी कल बस बैठे हुए थे बाजी के घर तो यही डिस्कशन और थी कि क्या क्या चीज़ें लेनी है, कुछ लेना है ये नहीं, मैंने कहा भाई मेकअप तो मेरे पास भी है काफ़ी, बस कुछ है जो बेस वगैरह रह गई ख़त्म हो गई है, बेस पाउडर है क्योंकि बस यूज़ नहीं किया हुआ, ये ब्लश है बिल्कुल नया, ये बिल्कुल यूज़ ही नहीं किए, ये देखें लिपस्टिक्स है मेरे, ये कलर बहुत प्यारा है, बहुत पसंद है मुझे ये कलर, ये बेटी के लिए, वो लाइट कलर लगाती है। ये इनकी मेरे हस्बैंड की मामी है ना, वो आई थी तो हमारी भी मामी यानी कि वो लेकर आई थी, तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, देखें ये कलर भी कितना खूबसूरत है, ये ब्लाउज है, ये कलर है ये बहुत प्यारा, मुझे बहुत पसंद है ये कलर, ये थोड़ा यूज़ किया मैंने, अच्छा लगता है मुझे। तो ये चीज़ें भी नहीं है, तो भाई हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि भाई अब जाना है तो जाहिर है शादी है तो प्यार व्यार होने क्या रह गया क्या नहीं लेना, तो भाई मैंने तो कभी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मेरे पास अभी बिल्कुल नहीं हुए हैं, और जो है बेस ख़त्म हो गई, ये मेरा ख़त्म हो गया बिल्कुल, थोड़ा सा ही रह गया, ये मैंने बहुत यूज़ किया है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, मुझे बहुत अच्छा भी मिल गया था, 700 पे मुझे मिला था, लेकिन ये कि इसकी जो क्वालिटी है ना बहुत ज़बरदस्त है और है भी बहुत ज़बरदस्त। और मेरी जो फेवरेट लिपस्टिक है वो ये है, देखिए ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है, ये मैंने बहुत यूज़ किया है। बाकी इसमें और भी हैं, ये कलर भी बहुत पसंद है मुझे, जो मुझे अच्छे लगते हैं और जो मैं यूज़ करती हूँ, मैंने कहा चले वो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें एक, हाँ जी, ये तो मैंने इतना यूज़ किया ना, ये देखिए ये बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, ये भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है और ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है ये कलर, लेकिन मैं चीज़ें जो है ना वापस लाती हूँ और अपनी जगह पे संभाल के अच्छी तरह साफ़ ऑफ करके रख देती हूँ। और ये ब्रश का सेट भी मैंने, ये इसके साथ मैंने मंगाए थे, ये दो चीज़ें मुझे आई थी ऑनलाइन मैंने मंगाया था, देखिए दोबारा उसको मैं अच्छे से वॉश करके ब्रशेस को रख देती हूँ। ये है हाइलाइटर है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इसके शेड्स अच्छे हैं। तो मैंने कहा चले बस तैयार होने लगी थी तो इतनी चीज़ें निकाल रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, ये भी ओरिजिनल है मेरे पास, ये है लेकिन अभी थोड़ी रह गई है, ये देखें स्टिक है, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, मेरी जो बहनें मुझे देखती हैं क्योंकि आगे भी है शादियाँ, आप लोग भी देखें इस तरह की फेस पाउडर भी मैंने ये यूज़ करती बीबी का, ये ख़त्म हो गया और इसका एक मेरे पास अभी नया पड़ा, ये मैंने अभी खोला भी नहीं है, देखें बिल्कुल नया पड़ा, जो हमारी बाजी थी वो लाती थी
बस अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वो फौत होगी, उनसे मैं लेती थी वो बहुत अच्छी चीज़ें। मेरे वो जो चीज़ें लाती थी ना भाभी, मेरे पास सबसे पहले लेकर आती थी कि भाई ये मैं लेकर आई, देखो, तो मैं उन्हीं से ही लेती थी। ये उनकी समझे एक निशानी है, बिल्कुल पैक पड़ा है मेरे पास, अभी तक मैंने यूज़ भी नहीं किया। ये वाला भी मैंने उनसे ही लिया था और ये बिल्कुल पैक पड़ा है। बस अच्छे लोगों को अल्लाह ताला जल्दी अपने पास बुला लेते हैं, और बहुत दिल खफा भी होता है उनके लिए कि बहुत जल्दी चली गई वो। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती, बस अभी मैं रेडी होती तो फिर आपको अपना मेकअप करना भी दिखाती कि मैं किस तरह रेडी होती हूँ। जी तो देखिए मैंने भी हल्का सा ही लगाया है, थोड़ा सा लेके तो कितना अच्छा इसका रिजल्ट आया। मैंने सारे चेहरे पे लगा लिए। जी तो व्यूअर्स मैं रेडी हो गई हूँ और देखें कितना ज़बरदस्त सा मेकअप हुआ है, और बिल्कुल लाइट सा जैसे लग रहा है, इतनी हैवी भी नहीं लग रहा। और इसकी जो फाउंडेशन है ना, जो मैंने आपको बताई फिटमी की, वो बहुत ज़बरदस्त है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये भी रेडी हो गए, ये बस ये भी फ्रेश हुए, तो इनको ज़्यादा सर्दी तो लग रही है। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई, अस्सलाम वालेकुम। मौले भाई ना सलाम कबूल कीजिए, नमस्ते अले भाई नमस्ते स्वीकार कीजिए। जी हाँ तैयार तो हो गए, लेकिन ठंड है भाई, बाहर ठंड लग रही है क्योंकि फ्रेश हुए हैं। हाँ फ्रेश हुए हैं तो नहाने धोने में थोड़ा सा ये कि गर्म पानी से वो होता है तो फिर बाद में ठंड लगती है। तो अभी मौसम थोड़ा सा ठंडा भी हुआ है, चेंज भी हुआ है, ठंड लग भी रही है। अभी जाते हैं भाई के घर, अपने फूफी के बेटे के घर, कज़न है हमारे जी नज़दीक ही है और है हमारे मोहल्ले में, इलाके में ही है। तो वहाँ ख़त्म का एक प्रोग्राम है उनके घर में, तो वहाँ पर जाएंगे, शामिल होंगे उनके साथ जी। और बाकी तो बाकी बातें इन्होंने की आपके साथ। मैं तो कल बिजी रहा सारा ट्यूबवेल के पानी के उसमें चक्कर में, आज भी मैं ऊपर चढ़ा हुआ था छत पे, छत में पानी की टंकी का थोड़ा सा फिटिंग विटिंग कर रहा था, सही कर रहा था उसको। मैंने कहा ना आज का दिन जो है ना भागम दौड़ में गुजर गया, कुछ वीडियो भी नहीं, वो भी नहीं बना सके। तो मैंने कहा तो भी बनाए थे, लेकिन चलो जबानी आपको बता देते हैं। और प्यारे बहन भाई आप लोग कहाँ गायब हो गए हो, आप वीडियो नहीं देख रहे हो, व्यूज़ पे नहीं नज़र आ रहे हो, क्या बात है भाई, वीडियो पसंद नहीं आ रही है? और अगर आ रही है तो फिर बताएं, कमेंट्स के जरिए बताएं और व्यूज़ के जरिए बताएं कि जब हमारे व्यूज़ इतने ज़्यादा दिखने में आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे भाइयों को वीडियो पसंद आ रही है। आ रही है तब भी बोले, नहीं आ रही है तब भी बोले, ताकि अगर नहीं पसंद आ रही है तो बेहतर करने की कोशिश करें, और पसंद आ रही है तो फिर हमें खुशी होती है कि जी हाँ आप लोग हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप लोग हमें लाइक कमेंट्स कर रहे हैं। तो मुझे मैंने आज फील किया कि मेरी कल की असल में दो वीडियोस कुछ थोड़ी हमारी इस तरीके से लेट भी नेट हो गई की वजह से कि नेट का बहुत इशू बना, बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ था, बिल्कुल नहीं बहुत ज़्यादा सिग्नल थे ही नहीं, आ ही नहीं रहते, बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ था, बड़ी मुश्किल से लोड हुई और वो लेट हो गई थी, इसकी वजह से सुबह पूरी रात के बाद सुबह हुई जाके कहीं। जी हाँ सॉरी भी करते हैं, मदद भी करके वीडियो लेट हो गई, क्योंकि आप सबको भी मेरा ख्याल है इंतज़ार होता ही है कि एक वीडियो 8-9 बजे आ ही जाती है आप लोगों के पास हमारी, तो शायद आप लोग इस वजह से वो हो गए हैं, आप लोग देख नहीं पाए। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है वो कीमा शिमला मिर्च की, इतनी वो तो बिल्कुल आप देखें तो सही और उसको बनाएं, आपको पता चलेगा क्या टेस्ट है उसका। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई और बहुत ज़बरदस्त। हाँ हम जब नेक्स्ट टाइम अभी जनवरी में शायद टूर मारे कराची का, तो फिर ट्रेन ये तो मुझे कहे थे सफर में भी बना के, ट्रेन के सफर में भी मैंने कर यही कहा है कि यही बना करके लेकर के जाएंगे, वहाँ पे रास्ते में खाने के कपने में ठंड होती है और ऐसी चीज हो साथ थोड़ी में। सी वो जो बासी रोटी जैसी हो जाती है उसके साथ कीमा खाने का जो मजा है ना, हम लोग जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बाहर के खानों से ना, तो एक तो सफाई का और थोड़ा सा इश्यू होता है हमारा अपना, तो उसकी वजह से हम लोग घर के खाने लेके जाते हैं, घर के बनाते हैं, तो वो हमारे चल जाते हैं हैदराबाद तक मजेदार से, और हैदराबाद के बाद फिर हम पहुंच करके, और हैदराबाद में हम लोग खाते हैं चने के चावल जब भी जाते हैं वहां से तो जरूर खाते हैं, उसका एक अपना टेस्ट होता है, वो फिर हम लोग लाजमन चखते हैं, चखते क्या बल्कि खाते हैं, भूख लगी होती है। और एक बात है ना कि हम लोगों को सफर में भूख भी ज्यादा लगती है, बाज लोग नहीं खाते सफर में लेकिन हम लोग खाते हैं, हम शुरू से जब हम लोग, मेरी भाई की शादियां थी तो हम लोग जब जाते थे ना, तो मेरी अम्मी तो 10 बजे ही खाना खोल देती थी, क्योंकि उस टाइम ट्रेन जो थी ना सुबह 6 बजे चलती थी यहाँ से जी, अवामी अवामी एक्सप्रेस अवामी थी और तेजगाम थी, वो दोनों बंद हो गया, दोनों पिशावर से बंद होगी, तो वो सुबह 6 बजे चलती थी और हम 10 बजे पिंडी पहुंचने वाले होते थे, तो हम लोग पहले ही खाना खा लेते थे, तो बहुत मजा आता है। और सफर में खाना जो पूरी फैमिली हो ना तो खाने पीने का भी बहुत मजा आता है। तो चले बस अभी हम लोग निकलते, देर हो रही है, तो बस फिर वहां पर अगर बना सकी तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर घर आके आपसे अल्लाह हाफिज करते हैं। जी तो व्यूअर्स हम भाई के घर जा रहे थे, रास्ते में तो देखेंगे यहाँ शादी है, तो कितनी प्यारी डेकोरेशन की हुई, लाइटें कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप देख सकते हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है ये, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है।
जी तो वीर सभी हम लोग घर आ गए। घर तो हम लोग 8:30 बजे ही आ गए थे, जल्दी फारग हो गए थे। लेकिन ये था कि मेरे दोस्त का फ़ोन आया हुआ था, और काफ़ी दिनों बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मेरी क्लास फेलो है, असमत नाम है, तो वो जॉब पे थी, तो उसने फिर मुझे वहाँ से वीडियो कॉल करी। तो मैं तकरीबन आधे घंटे से उसी से ही बात कर रही थी, बस अपनी गपशप हो रही थी। मैंने पहले भी वीडियो में उसका जिक्र किया था, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसके साथ गपशप करते रहे। वही पुरानी बातें, पुरानी यादें ताज़ा होती रही। मैं उसे बताया थी कि उस दिन मैं स्कूल भी गई थी, कह रही यार मुझे भी बता देती, मुझे कॉल पे ले लेती यार। मैं कहा मैं सेशन अटेंड कर रही थी, तुझे कॉल पे कैसे ले लेती। तो बस उसे गपशप करती भी, मैंने वीडियो को ऐड नहीं किया था। मैंने कहा चले आपसे अल्लाह हाफिज़ करती हूँ, और वहाँ वीडियो नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी लोग थे, फिर अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग नहीं आना चाहते, मैं बार बार यही कहती हूँ। तो मैंने कहा चले आपसे इजाज़त ले लेती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। फिर कल आपसे मिलते एक अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा क्या, और हमें रखिएगा अपनी दुआ में याद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।